हेलो गाइस, स्वागत फिर से मेरे नई वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में मैं खेल रहा हूँ फिर से GTA San Andreas। और गाइस, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो आपने मिस कर दिया। गाइस, लास्ट वीडियो आपको देखना होगा। लास्ट वीडियो में हमने की थी बैंक रॉबरी, जिसमें हमने $2,50,000 चुराए थे। और अभी आप सोच रहे होंगे मेरे सारे पैसे कहाँ चले गए, तो वो सब मैं बाद में बताता हूँ। वैसे अभी बता देता हूँ, वो पैसे मैंने बैंक में डाल दिए अभी, क्योंकि उसका कुछ यूज़ नहीं करना है हमें। और थोड़े से पैसे मैंने अपने पास रखे। और गाइस, आप भी सोच रहे होगे ना, जिस बैंक से पैसे चुराए उसी बैंक में वापस पैसे जमा कर दिए। तो नहीं गाइस, मैंने उस वाले बैंक में पैसे जमा नहीं किए, मैंने मेज बैंक होती है ना बड़ी वाली, उसमें पैसे जमा कर दिए। मैं पागल थोड़ी हूँ, उस बैंक में तो कोई भी चोरी कर सकता है। तो अभी मैं आया हूँ कपड़े खरीदने, थोड़े बहुत पैसे देख रहे हो आप, मेरे पास $590 से। तो इसमें से थोड़े कपड़े खरीद लेता हूँ। ये मैंने नई हेयरस्टाइल करवाई है, आपने पीछे देखा होगा कि मैं दुकान के पास से ही निकला हूँ। तो अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़े अच्छे वाले कपड़े खरीद लेता हूँ, क्योंकि ये बनिया ना अच्छा नहीं लग रहा मेरे पे। मतलब गैंगस्टर है भाई, $2,50,000 इस बंदे ने चुराई। और वो जो बंदा था ना गाइस, उसका मैं अभी सीन बता देता हूँ क्या हुआ है उस बंदे का। तो पुलिस ने उसको अरेस्ट करके प्रिजन में डाल दिया था, लेकिन प्रिजन में मारपीट करके पुलिस वालों को एकदम धो डाला उसने, खून खराबा करके वो भाग चुका है माउंट चिलाड़ की तरफ। और शायद से मैंने मैप में दिखाया अभी, उस जगह पे माउंट चिलाड़ है, उधर जाकर वो बंदा अपना छुप गया है। तो गाइस, थोड़े टाइम तक वो रहेगा उधर ही माउंट चिलाड़ तरफ छुपा हुआ रहेगा, और इधर मामला शांत हो जाएगा, तब वापस आ जाएगा इधर सैन एंड्रियास में, अपना लॉस सैंटोस में। और अभी मैं अपना थोड़े कपड़े ख़रीदने का सोच लेता हूँ, कौन से कपड़े मेरे पे अच्छा लगेंगे देख लेता हूँ। और ये क्या है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है भाई। तो देखते हैं, दूसरे कपड़े बहुत सारे देखेंगे, मतलब बढ़िया लगना चाहिए। वैसे क्वांटिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा नहीं है भाई, $70-$60 में कपड़े मिल जाते, चलता है। फिर भी इधर कुछ सेल चल रहा है, पोलो शर्ट्स, फिट ऑल साइजेस, ₹5-42। वाह, क्या सस्ते कपड़े मिल रहे, मतलब इंडिया में $5, मतलब ₹350 में दो शर्ट टी शर्ट्स बोले तो। इंडिया में तो भाई इतना प्राइस है, उधर $5, क्या पता उनको महंगा लगे या सस्ता। अभी थोड़ा देख रहा हूँ कोई सा कपड़ा अच्छा लगे तो खरीद लेता हूँ। और ये भाई नाइट ड्रेस जैसा कपड़ा लग रहा है, मेरे को ऐसा नहीं खरीदना भाई, ऐसा बाहर कैसे जा सकते हो ऐसे कपड़े पहन के। और ये क्या है भाई, अभी सब छोटा बच्चा लग रहा हूँ मैं, छोटे बच्चे की ये डायपर जैसा लग रहा है ये तो। भाई हटो भाई, हटाओ हटाओ इसको, अच्छा सा ढूंढो भाई कोई सा भी अच्छा लगे वो। हाँ ये रख लेता हूँ, क्योंकि इधर क्वांटिटी उतनी ज़्यादा नहीं है ना, क्या करूँ। अभी कोई दूसरी शॉप होगी तो उसमें देख लेंगे। और ये स्नीक्स खरीद लेता हूँ, व्हाइट कलर के बढ़िया लग रहे हैं, हालांकि कलर मैच नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत तो अपना फैशन ख़राब हो गया है, लेकिन इस बार चला लेते हैं। अगली बार से बड़ी वाली दुकान में जाएंगे तब देख लेंगे, अभी बनियान से तो अच्छा ही है कपड़े। ठीक है, दूसरे शहर जाएंगे, उधर से खरीदी कर लेंगे। अभी ये भाई सब वॉच आ गई, अपने गले में पेंडेंट आ गया, और ये ग्लासेस इतने, ये देखो मैंने बोला ही था इतने अच्छे नई चीज़ है इस दुकान में, इतनी बड़ी दुकान खोल के रखी है, कपड़े अच्छे इतने नए, टोपी ये रख रहता हूँ, बढ़िया लग रही है भाई। कम से कम टकला छुपा लेगा ये बंदा अपना सीजे। ओके गाइस, तो अभी मेरा जो दोस्त है अपना, इस गेम में मैंने आगे भी बहुत मिशन किए, और ये अभी मैं देख लेता हूँ आईने में स्क्रीनशॉट मिल जाएगा भाई मेरे को तो। ओके, तो ये दुकान में से जे ऐसे तैसे करके थोड़े कपड़े सिलेक्ट कर लिए, अच्छे लगे वैसे बनियान से तो अच्छा ही है। और इधर हम अभी मिशन पास, और इज्जत मिली गाइस, इज्जत मिलती है गाइस, मिशन करने से इज्जत मिलती है, पैसे रुपया भी नहीं मिलता ऐसे मिशन करने पर। अभी मैं समझा देता हूँ हमारा आगे का क्या मिशन है गाइस। तो मैंने अभी बहुत सारे मिशन किए, स्वीट बिग स्मोक उन लोगों के साथ, तो उसका मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगा वीडियो रिकॉर्ड करना। वैसे भी इस गेम में इतनी सारी गालियाँ बकी जा रही है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा अभी। साइड मिशन जो हम करते हैं ना मिशन, वो वाले मिशन मुझे बढ़िया लगेंगे, वही मैं अपलोड करूँगा। और
अभी हम निकलने वाले हैं रात होते ही दूसरे मिशन के लिए। ओके तो रात हो चुकी है गाइस, अभी अपना दूसरा मिशन इधर ही है। और इधर गाइस बहुत ही बढ़िया वाली पार्टी चल रही है हमारे यहाँ, और सामने देखो क्या ही लुक आ रहा है, मतलब क्या ही व्यू आ रहा है मस्त सा, और ये जगह भी बहुत मस्त है। इधर हमारी पार्टी हो रही है, इस पार्टी में गाइस हमें खतरनाक वाला मिशन करना है। अभी किसी को पता भी नहीं है क्या मिशन करना है गाइस, आगे देखो आपको पता चल जाएगा हमारा क्या मिशन है। तो ये कुछ म्यूजिक सिस्टम है, डीजे वीजे बज रहा है, सब लोग इधर डांस कर रहे हैं, और हमें भी इस लड़की ने औरत ने इनविटेशन दिया है कि हमें भी डांस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। ओके मुझे मतलब नाचना पड़ेगा यार, ठीक है। वैसे वो डायलॉग तो आपने सुना होगा ना, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर तो यहाँ पर तो कुत्ता ही नाच रहा है, क्या कर सकते। और वो लड़की हमें नचा रही है, बोल रही है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करो, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, जल्दी जल्दी क्लिक करना है, अप डाउन लेफ्ट राइट अप डाउन लेफ्ट राइट ऐसा कुछ आता है। तो अभी जल्दी से जल्दी मुझे करना है ये, तो गाइस मैं जल्दी से ये कर लेता हूँ डांस, ये बोल रही है। वैसे मुझे डांस में इतना बढ़िया नहीं लग रहा, आप देख लो, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। और अभी गाइस वक्त आ चुका है, मैं आपको समझा देता हूँ हमारा मिशन क्या है। तो हमारे एक दोस्त ने, लॉक नाम का बंदा है, उस बंदे ने मतलब हमारा दोस्त ही है, उसने हमें ये मिशन के लिए इधर भेजा है। वो एक बर्गर शॉट में काम करते हैं। अभी हमें क्या करना है, ये जो सामने आपको दिख रहा है डीजे का सिस्टम, ये सिस्टम हमें चुराना है। तो जल्दी से जल्दी ये लड़की हमें ये दिखाने ले जा रही थी, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, इसको चुरा लेना है, उसको बाहर फेंक देता हूँ मैं। और अभी फाइनली वो बंदे ने फायरिंग स्टार्ट कर दिया, आप देख सकते हो। तो मुझे जल्दी से जल्दी गाइस इसको लेकर पतली गली निकलना होगा। ओके रास्ता 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 मिल गया, रास्ता इधर छोटी सी गली में से, रास्ते में से निकल गए हम। और अभी हमें पीछे जाना है, लेकिन घूम के ही जाना होगा, नहीं तो वो बंदे सामने मिलेंगे। और ये दरवाज़ा थोड़ा खुल बंद हो रहा है, तो मुझे डर लग रहा है थोड़ा बहुत कि ये नीचे ना गिर जाए, क्योंकि दिक्कत हो सकती है, मिशन फेल हो सकता है भाई। ओके तो अभी फाइनली हम सीधे रास्ते पे आ चुका है, और अभी ये सिस्टम हम चुरा चुरा लिया है, और अभी इसे गैरेज में लेकर जाना है और रख देना है उधर से। वो बंदा कुछ करेगा इस डीजे सिस्टम का मुझे नहीं बताया, कुछ भी हो इसको तो चुरा नहीं, क्योंकि इन फ्यूचर हमें पार्टीज करनी होगी तो इसी डीजे सिस्टम से करेंगे, या फिर उस बंदे ने कुछ अलग सा सोच रखा होगा तो वो इसको बेच देगा सिस्टम को। आई डोंट नो वो क्या करेगा, लेकिन अब गैरेज में इसको स्टोर करके रख देते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। और गाइस मैंने आपको बोला कि मैंने जो चोरी के पैसे, बैंक की चोरी से पैसे, वो सारे पैसे मेज बैंक में रख दिए, तो आगे क्या रहेगा हमारा। वो बंदा जब मामला शांत हो जाएगा तब इधर वापस आ जाएगा लॉस सैंटोस में, तो तब हम पैसा आपस में बांट लेंगे, क्योंकि सारा पैसा ना तो वो रखेगा ना तो मैं रखूँगा, और आई थिंक 60% वो रखेगा, क्योंकि उसने गन वन का जुगाड़ किया था और सब बैंक की चोरी का प्लान बनाया था उसने, तो और इसकी वजह से वो ज़्यादा पैसे रखेगा, और मुझे 40%। वैसे बहुत बढ़िया डील है, वैसे अपनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी, बस पैसे चुरा के अपने पास रखा था थोड़े टाइम, तो ये डील बढ़िया है, ज़्यादा मैं रखूँगा नहीं, बस उसके साथ रिलेशन अच्छा रखना है, आगे जाकर उसके साथ बहुत सारी चोरियाँ करनी है, पैसे कमाने अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओके गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, आपने गाइस मेरा अगर दूसरे वीडियोस नहीं देखे तो जल्दी से देख लो, और सब्सक्राइब बटन तो इस तरह दबा दो, देखो ये बैट कैसे चला रहा है उस तरह दबा दो, और लाइक के बटन को भी उसी तरह दबा देना, एकदम बैट जैसे मैं चला रहा था वैसे।